नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुशांत के परिवार को मिली बड़ी जीत। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुशांत सिंह समेत उनके परिवार को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जवाब देते हुए यह साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे मामले की जाँच CBI करेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले की जाँच में सहयोग करेगी। शीर्ष अदालत ने पटना में दर्ज मामले को सही ठहराते हुए मुंबई पुलिस से मामले में जुड़े सभी दस्तावेज CBI को सौंपने की बात कही है। सुशांत सिंह मामले में यह पता करना मुश्किल हो गया है कि आखिर हो क्या रहा है और इसकी जांच कहां तक पहुंची है। 34 वर्षीय सुशांत 14 जून को मुंबई के बांद्रा में स्थित अपने अपार्टमेंट में कथित तौर पर बेसुध मिले थे। इसके बाद सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम शुरू हो गई थी। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का नहीं होगा इस बार आयोजन। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का आयोजन इस बार नहीं होगा। COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण इस मेले के आयोजन को स्थगित करने का फैसला लिया गया है, जिसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। इस मेले में कई देश और विदेश से भी हर साल लोग घूमने आते हैं। हर साल इस मेले का आयोजन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से करवाया जाता है, लेकिन विभाग ने 18 अगस्त को जनहित में पितृपक्ष मेला स्थगित करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, यह मेला 2 सितंबर से शुरू होने वाला था, मगर बिहार में COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। ऐसे में इस बार मेले का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। आयोजन करने वाले विभाग ने भी अपने आदेश में केंद्रीय मंत्रालय और बिहार सरकार के आदेश का हवाला दिया है। 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर एक बार फिर से लगी रोक। बिहार के सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत 30,020 पदों पर जारी शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक बार फिर से रुक गई है। शिक्षा विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने दिव्यांगों द्वारा न्यायालय में दायर एक न्यायाधीश के अनुपालन में नियोजन प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को उप सचिव अरशद फिरोज ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 24 जुलाई को पारित न्यायाधीश के अनुपालन में राज्य के उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों के पद पर 6ठे चरण के शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अनुवर्ती निर्देश माननीय न्यायालय के आदेश के अनुरूप अलग से जारी किया जाएगा। बिहार में आज से शुरू हुआ सीरोलॉजिकल सर्वे। बिहार में तेजी से फैलते संक्रमण के बीच अब इस बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या लोगों में COVID-19 का सामना करने के लिए एंटीबॉडी विकसित हुई है या नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप आज से बिहार के कई जिलों में एंटीबॉडी विकसित करने को लेकर दूसरे चरण का सिरो सर्वे शुरू किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के अरवल, मुजफ्फरपुर, बक्सर, बेगूसराय, मधुबनी और पूर्णिया में आज से सीरोलॉजिकल सर्वे का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। इस सर्वे के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि बिहार के लोगों में COVID-19 का सामना करने के लिए एंटीबॉडी विकसित हुई है या नहीं। इसके साथ ही COVID-19 के सामुदायिक संक्रमण का भी आकलन किया जाएगा, जो कि ICMR के निर्देश पर RMRI पटना के जरिए किया जाएगा। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के 70 जिलों में एक साथ इस सर्वे को करवाया जा रहा है, जिसके दौरान 2400 लोगों के सैंपल को इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद ही बताया जाएगा कि किन जिलों की हालात कैसी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर DGP गुप्तेश्वर पांडे ने जताई अपनी खुशी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के मामले को CBI को ट्रांसफर करने की खबर मिलने के बाद बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी खुशी जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्याय की उम्मीद जगाता है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार पुलिस के मुखिया के तौर पर इस फैसले का स्वागत करता हूं। बिहार पुलिस में सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच को लेकर जो पहल की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह बता रहा है कि बिहार पुलिस ने कुछ भी गलत नहीं किया था। मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत परेशानी नहीं है, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह की टिप्पणी की है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। रिया चक्रवर्ती की औकात मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय जल्द ही मिलेगा। DLED फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज से हुई शुरू। DLED फेस टू फेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2019 से 21 के प्रथम वर्ष एवं सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के लिए छूटे हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने का मौका बिहार बोर्ड ने दिया है। उसमें से 25 अगस्त तक विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, जबकि शुल्क 26 से 27 अगस्त तक जमा किया जाएगा। बिहार बोर्ड ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। वहीं बिहार बोर्ड ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण कई अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे। उन्हें एक और मौका देने के लिए कॉलेज से अनुरोध किया गया था, जिसके बाद डमी एडमिट कार्ड 27 से 29 अगस्त तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार DLED सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष की परीक्षा का शुल्क ₹300 दर्ज किया गया है। वहीं सत्र 2018-20 के दूसरे साल की परीक्षा में शामिल होने के लिए 1425 शुल्क तय किया गया है। वहीं विलंब शुल्क प्रति विद्यार्थी 175 तय किया गया है। पटना एम्स में पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट की शुरुआत होगी जल्द। पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट की व्यवस्था पटना एम्स में शुरू करवाई जा रही है, जिसके बाद COVID-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस ट्रीटमेंट के शुरू हो जाने से मरीजों को
काफी सहूलियत होगी क्योंकि कोविड 19 से ठीक होने के बाद कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे मरीज परेशान होने लगते हैं। इसके लिए इलाज की जरूरत होती है। खासकर कोविड 19 से ठीक हुए मरीजों को ज्यादा परेशानी होती है, जिनको इलाज के दौरान ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर रहना पड़ा था। ऑक्सीजन पर रहने वाले मरीजों को मुख्य रूप से फेफड़े का कड़ापन होने की शिकायत हो रही है। इसकी पुष्टि पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने की है। पटना एम्स के कोविड 19 के नोडल अफसर डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि यहां 4-5 मरीज ऐसे आए थे जो कोविड 19 से ठीक होकर चले गए थे और उनमें फिर कोविड 19 के लक्षण पाए गए थे। इन मरीजों में ऐसी मरीजों की तादाद है जिन्हें या तो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी या कोई और अन्य समस्या आ रही थी। मौसम के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को प्रशिक्षित करने की कही बात। किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 2008 से कृषि रोडमैप लागू होने के बाद से अनाज, फल, सब्जी, दूध, मछली, अंडा के उत्पादन बढ़ने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने धान, गेहूं और मक्का आदि में उत्पादन के साथ उत्पादकता बढ़ने का भी संकेत दिया है। वहीं कृषि वैज्ञानिक ने सभी जिलों में मौसम के अनुसार खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने का आदेश भी जारी कर दिया है। गंगा नदी के किनारे 2.35 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने की बात भी कही गई है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक और प्रयोगशाला भवनों का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए कार्यक्रम का संबोधन किया था। इसके साथ ही उन्होंने उक्त बातें कही थी। उन्होंने आगे कहा है कि बारिश की अनियमितता है कि जिले में मौसम अनुरूप खेती बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी BAU डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, बोर्डलॉग इंस्टीट्यूट और फिर ICAR के माध्यम से कराई जा रही है। आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। पूरी दुनिया में हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। जीवन के कुछ अनमोल लम्हे और खुशियां जिन्हें हम हमेशा समेट कर तो नहीं रख सकते, लेकिन उन पलों को कैमरे में कैद कर लेते हैं। आज से 180 साल पहले 9 जनवरी 1839 में फोटोग्राफी की शुरुआत हुई थी। जोसेफ मिसफोर और लुइस डागोर ने इसका आविष्कार किया था। इसके बाद उन्होंने साल 1839 को फ्रांस की तरफ से आधिकारिक घोषणा की गई थी, तो तभी से 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है, जिसके बाद राजधानी पटना में भी हजारों की संख्या में प्रोफेशनल फोटोग्राफर मौजूद है। ऐसे ही एक फोटोग्राफर है जो शौक में फोटोग्राफी करते हैं, आज प्रोफेशनल बन गए हैं। ऐसे ही एक राजधानी के रहने वाले फोटोग्राफर प्रणव शाही, जिन्होंने 8 साल की उम्र से फोटोग्राफी करना शुरू किया था। हालांकि उन्होंने बताया कि फोटोग्राफी उन्हें विरासत के रूप में मिली है। उन्होंने फोटोग्राफी शुरू की थी और आज भी कर रहे हैं। अब तक करीब उन्होंने 8 से अधिक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मेट्रो रूट पर 20 मीटर की दूरी के लिए लेनी होगी NOC। पटना मेट्रो अगले 4.5 साल में बनकर तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्राइवेसी कॉरिडोर यानी कि राजेंद्र नगर स्टेशन से ISBT को 3.5 साल में चालू करने का लक्ष्य फिलहाल रखा गया है। कुल मिलाकर 26 स्टेशन होंगे, जिसमें से 13 एलिवेटेड और 13 अंडरग्राउंड बनाए जाएंगे। पटना जंक्शन और खेमनीचक से दोनों कॉरिडोर का इंटरचेंज बनेगा। पटना जंक्शन पर दोनों कॉरिडोर के स्टेशन पर ऊपर नीचे नहीं होकर अंडरग्राउंड अगल बगल में बनेंगे। ISBT के पास स्टाफ क्वार्टर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विकसित करने के लिए 10 हेक्टेयर जमीन अधिकृत की जाएगी। पटना मेट्रो ने दो स्टेशन के बीच की दूरी औसतन 1.5 किलोमीटर निर्धारित की है, क्योंकि बैटरी निर्माण में 60% अंडरग्राउंड निर्माण होगा। इसीलिए कॉरिडोर के दोनों तरफ 2020 मीटर की दूरी में नए निर्माण के लिए PMRCL और NOC लेने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए इन क्षेत्रों से अधिक गहराई तक पाइलिंग होने वाले भवनों की स्वीकृति में पूरी जांच के बाद ही निर्माण की स्वीकृति दी जा सकेगी। जिलाधिकारी कुमार रवि ने 6 लाख का बिल देने वाले निजी अस्पताल पर मामला दर्ज करने का जारी किया आदेश। कोविड 19 के इस माहौल में कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जो अपने मनमाने तरीके से मरीजों से पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए जिलाधिकारी कुमार रवि ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार ऐसे निजी अस्पताल जहां पर कोविड 19 मरीजों को 6 लाख से अधिक का बिल थमाया गया है, उन अस्पतालों को सील किए जाने का फैसला सुनाया गया है। निजी अस्पताल द्वारा मरीज के परिजनों को 6 लाख से अधिक रुपए मनमाने तरीके से भुगतान करने के लिए दबाव बनाना और फिर कमरे में बंद कर उन्हें परेशान करने वाले JDM अस्पताल को लेकर कंकड़बाग थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। वहीं ने बताया कि अस्पताल को सील भी किया जाएगा, मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। जेईई मेन अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले देना होगा डिक्लेरेशन। जेईई मेन के अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि उन्हें पिछले 14 दिन से बुखार, सर्दी, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश या कोई अन्य परेशानी तो नहीं है। साथ ही वो किसी कोविड 19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आए। संपर्क का मतलब 15 मिनट से अधिक समय 1 मीटर से कम दूरी में होना, साथ ही अनिवार्य क्वारंटाइन के शर्तों के अंदर है या नहीं, पिछले 14 दिनों में छात्र ने किस किस शहर का दौरा किया है उनकी डिटेल भी भरनी होगी। छात्रों को अपनी फोटो भी चिपकानी होगी, पेरेंट का हस्ताक्षर भी करवाना होगा। साथ ही छात्र इन चीजों को पहले भर सकते हैं, लेकिन उसे सिग्नेचर परीक्षा केंद्र पर इनविजुलेटर के सामने ही करना होगा। यह फॉर्म एडमिट कार्ड के साथ ही अटैच होगा। इस बार 4 पेज का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सभी 4 पृष्ठों को डाउनलोड करने पर कोविड 19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पढ़ने की सलाह दी गई है। इतना ही नहीं, सभी छात्रों को यह भी कहा गया है कि वो निर्देश का पालन करेंगे। डायरेक्टर कुशल जावेरी ने दोस्तों के नंबर से करीबियों को कॉल करने का किया खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हर दिन नई बातों का खुलासा हो रहा है। इसी क्रम में डायरेक्टर कुशल जावेरी ने भी एक अहम खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने करीबियों को फोन
कभी अपने नंबर से नहीं करते थे बल्कि अक्सर दोस्तों के नंबर से करीबियों को कॉल करते थे। इसी साल के शुरुआत में सुशांत ने अपने नंबर की बजाय एक दूसरे फोन नंबर से उन्हें कॉल किया था, जिसके बाद उन्होंने उनसे सुशांत से तुरंत मिलने की बात कही थी। लेकिन उस वक्त कुशल गोवा में थे और शूटिंग में व्यस्त थे, जिसके बाद वो सुशांत से नहीं मिल पाए थे। जिसके बारे में बताते हुए उन्होंने आगे बताया कि मुझे एक दूसरे नंबर से जनवरी 2020 में फ़ोन आया था, उस वक्त मैं गोवा में शूटिंग में बिजी था, उसने मिलने के लिए कहा था। इस पर कुशल ने वापस लौटने के बाद मुलाकात करने की बात कही थी। सरकार के रवैये के कारण पटना को स्मार्ट बनाने की योजना पर लगा है ग्रहण। राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने वाले शहरों में शामिल किया गया था, जिसके बाद इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि क्या पटना के दिन भी अब सुधरने वाले हैं और शहर अब खूबसूरत दिखाई देने वाला है। इसको लेकर पटना नगर निगम ने पटना को सुंदर बनाने के लिए 9 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की थी, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण सालों बाद भी नगर निगम की शुरू की गई योजना बीच में लटकी हुई है, जिसका उद्देश्य देश में सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं देना है ताकि लोग स्वच्छ और साफ पर्यावरण में अपनी जीवन शैली को सुधार कर सके। स्मार्ट सिटी योजना में बिहार के 4 शहरों को चयनित किया गया था, लेकिन चारों शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना वैसे और पैसे के अभाव से अब अधूरी दिखाई दे रही है, जिसके बाद नालों पर सड़क निर्माण, मॉड्यूलर टॉयलेट, स्मार्ट डस्टबिन, वेस्ट मैनेजमेंट, मॉलों का रेनोवेशन, कूड़ा गाड़ी में जीपीएस में मे आई हेल्प यू सेंटर, ऑटोमैप सेवा, वेंडिंग जोन समेत कई योजनाएं फिलहाल फंसी हुई है। आज सुबह 19 अगस्त तक देश के कोविड 19 के 64,000 नए मामलों की हुई है पुष्टि। सुबह 19 अगस्त तक देश में कोविड 19 के 64,000 से अधिक मामलों की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 64,531 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 1,092 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद देश में पॉजिटिव मामलों की संख्या 27,67,274 पर पहुंच गई है, जिसमें से 6,76,517 मामले अभी सक्रिय हैं। वहीं 20,37,871 लोग ठीक होकर वापस लौट चुके हैं। वहीं अब तक कोविड 19 की वजह से 52,889 लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में 55,079 नए मामलों की पुष्टि की गई थी। केवल 11 दिन में ही 7,00,000 नए मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में रिकवरी और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर हर दिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में यह अंतर 12,00,000 से अधिक का है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सीबीआई को सौंपने के फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।